मैंने परसों का है, क्या किया गया बताइए, का है वाइट है क्या, अभी नया हो गया, कुछ ज्यादा नहीं ना मिल गया है, कैसे करा रहे हैं लोग, इधर दिखा रहे हैं फटा का, आइए इधर आइए सब मेरे साथ में आइए, देखिए हाई कैसे फट गई बताइए, हाई कैसे फटा दिखाइए, हाई कैसे फटा है, ठेकेदार महोदय इसमें क्या बताएंगे आप ही बताइए, ठेकेदार महोदय इसमें क्या बताएंगे, गुस्सा हो रहा है क्या, नहीं गुस्सा नहीं हो रहा है, क्यों गुस्सा होंगे आप, तो घूर घूर के देख रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, समिति है आप ही के पैसा से हो रहा है, आपको कहा ज्यादा मिल गया क्या कुछ, आता है ठीक है, अच्छा तो पूरा रोड फट जाता है क्या, चल रहा है 6 एक या 8 एक का, 3 एक का, 3 एक का, तब का फट जाएगा, मार 3 एक का एकदम फटले ना के चाहिए, का फट गल 3 एक में महाराज, से मिलावल ना करने से नहीं मिलावल, चिपी साटल बा, चिपी साटल मानू तो नखी साटल देख ले, आ फटल तो नखी देख ले, देख सकते हैं मेरे ठीक सामने झाझवा स्कूल है, और झाझवा स्कूल के ठीक सामने एक रोड का निर्माण हो रहा है, 24 घंटे में नहीं हुआ रोड का ढलाई, और दूसरे तरफ से इसका रिपेयर का भी काम हो रहा है, इसलिए रोक दिए हैं लोग, इसलिए काम हम लोग बाधित किए हैं पूरे गांव के लोग जी, अच्छा जो समिति किसके द्वारा बन रहा है ये समिति के द्वारा बन रहा है, अच्छा उनसे बात हुआ आप लोग को, हाँ उनसे बात हुआ, वो बोले कि रोड बने ला एक फाटक चले ला, अच्छा, सरकारी काम यही होला, अच्छा बना चले के फाटक चले ला, बना चले ला फाटक चले ला जी, मतलब रोड का काम सही हो रहा है, मैंने उसमें गलती जो है आप लोग देखिए, नहीं नहीं आप बताइए, आप बताइए सही हो रहा है पहले, अपने तो देखने से तो गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है जी, आपके घर में आपका घर ढलैया है या कैसा है, ढलैया वाला घर है, ढलैया वाला है, कितने दिन बाद रिपेयरिंग शुरू हुआ आपके घर का, रिपेयरिंग इसमें नहीं हुआ है, क्या सामने देखिए, देखिए रिपेयरिंग नहीं हुआ है क्या आया है बताइए, इस पे रख के क्या हुआ मेरे सामने देख लीजिए, ये अभी का है देख लीजिए, ये अभी का है, जब मीडिया के इन लोगों को सूचना मिला तब अभी रिपेयरिंग कराना शुरू कर दिया, देखिए फाट रहा है, उसके बाद बोले कि अभी का नहीं है, तो परसों का ला के रखा गया है, परसों का देखिए क्या है, क्या है सीमेंट है ला के साटा जरी कहिया का है, परसों का है, मैंने परसों का है, क्या है क्या है क्या किया गया है बताइए, का है वाइट है क्या है, अभी नया हो गया, मैंने कैसे हो गया, ठेकेदार बताएंगे तो फिर कैसे सही काम बोल रहे हैं, आइए इधर दिखा रहे हैं फाटा का, आइए इधर आइए सब मेरे साथ में आइए, देखिए हाई कैसे फट गई बताइए, हाई कैसे फटा दिखाइए, हाई कैसे फटा है बताइए, कैसे फटा है अपने से फट गया कि लोग हथौड़ी से मार के फोड़ा है, ये बताइए लोग कैसे फटा है, ठेकेदार बताइए, गलती काम हो रहा है कि नहीं बोलिए, गलती काम हो रहा है ना, अब गलत सही ठेकेदार को आ जाने देंगे, नहीं आपके नजर से नहीं दिख रहा है फटा है, आपके नजर सही दिख रहा है फटा है, तो चर्चा ठेकेदार साहब से नहीं, आप समिति है आपके नजर से फटा है तो नहीं दिख रहा है कि गलत काम हो रहा है, ठेकेदार साहब ही बताएंगे इसके बारे में, क्या बोला ना फोन कीजिए ना, आ रहे हैं कब आएंगे, अभी आ रहे हैं बात, काम फिर कैसे शुरू हो गया बिना ठेकेदार के रहते हुए, अभी तो काम बंदे है, तो पहले हो रहा था तभी ना लोग रुका है, मिस्त्री को बोल, मिस्त्री लोग काम कर रहा था ना, तो फिर ठेकेदार कहां जवाब देगा, जब मिस्त्री ही बना रहा है तो फिर ठेकेदार कहां जवाब देगा, मिस्त्री लोग से बात कीजिए कि वो बताएंगे ना जी, ठेकेदार यही है जी, वो जो है लेबर का ठेकेदार है जी, उन्हीं को ये लोग ठेकेदार ठेकेदार बोल रहे हैं जी, इसमें ठेकेदार कोई नहीं है, समिति का फंड है, समिति काम करा रहे हैं जी, यही ठेकेदार है, यही है जो है ठेकेदार है या मालिक है या जो भी है, देखिए ठेकेदार महोदय इसमें क्या बताएंगे आप ही बताइए, ठेकेदार महोदय इसमें क्या बताएंगे, गुस्सा हो रहा है क्या, नहीं गुस्सा नहीं हो रहा है, क्यों गुस्सा होंगे आप, तो घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं हमारा, तो मैंने गलत काम हो रहा है, गलत माने फटा है ही तो देख रहे हैं, देखिए सुनिए इनके मुंह से सुन लेना फटा है, देखिए समिति है बाल बंगरा पंचायत के हैं, संजय क्या नाम है आपका, संजय चौरसिया नाम है, समिति सदस्य हैं, इनके मुख द्वारा आप लोग सुन लिया कि हाँ फट रहा है, कल ढलैया हुआ है सड़क फट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है, खुद समिति द्वारा जिनके द्वारा बनाया जा रहा है उनके द्वारा ही कह रहा है कि हाँ फट रहा है, इसलिए समझ सकते हैं कि कितना बालू मिलाया जा रहा है, कितना सीमेंट मिलाया जा रहा है, कितना गिट्टी मिलाया जा रहा है, खुद आप समझ सकते हैं, आगे की तरफ और बढ़ेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह फटा हुआ है, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए लगातार देखिए चिपी सटा गया है, मैंने आज ढलैया हुआ कल ढलैया हुआ आज से चिपी सटना शुरू हो गया, तो समझ सकते हैं कितना जल्दी है, देखिए देखिए पास से दिखाइए तो कितना फटा हुआ है, देखिए ये तो कोई हथौड़ी से मार के नहीं फोड़ा हुआ है, अपने से फटा हुआ है, शायद अच्छा से काम हुआ रहा तो नहीं फटा रहता, लेकिन लगातार ही दिखाया जा रहा है, लगातार ऐसे होता है कि सड़क में लगातार भ्रष्टाचार होता है, पंचायत लेवल काम पे यहाँ के लोग बोलने वाले नहीं होते हैं, और तो ये लोग हैं कि बोल रहे हैं, नहीं तो ये लोग आते बनवा के चले जाते और जो पैसा होता है उसमें अपना बंदरबाट कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है, ये बात सच्चाई है, इस जाता है, फिलहाल ठेकेदार महोदय कब आएंगे, हम समिति महोदय से पूछने का प्रयास करेंगे जी, ठेकेदार महोदय आपके कब तक आएंगे, बात हुआ है अभी आ रहे हैं, मैंने कितने देर में आ जाएंगे, तो थोड़ी देर पहले बताए थे, कहाँ कराने वाले हैं वो, धरे के दरौंदा साइड के हैं, दरौंदा साइड के हैं जी, अच्छा मिस्त्री आज सुबह से आए नहीं थे, आज नहीं आज नहीं आए थे, ये बताइए सवाल ही खड़ा हो रहा है कि नहीं, जब वो नहीं आए थे तो फिर काम कैसे शुरू हो गया, वो बोल करके जैसे कारीगर लोग रुका हुआ था जी यहीं पे, तो बोल के गए हुए थे कि
हम आ जाएंगे, आप लोग काम समय से शुरू कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कब कितने देर काम कराते हैं लोग बताइए आप लोग पहले। मैंने जैसे छठ का समय था ना, हाँ, तो ये प्लान ये जल्दी जल्दी काम करा देना जैसे इधर से रास्ता जाता, हाँ, तो है ना, जल्दी जल्दी काम करवा देना, पहले खत्म कर दिया जाएगा ताकि लोगों को चलने में असुविधा ना हो जी। यही बात हुआ था, इसीलिए आज सुबह से काम लग गया, नहीं तो ये 9 बजे से ही काम लग। ये बताइए, शादी होता है तो बिना दूल्हा का शादी होता है? खाली बाराती चल जाएंगे तो शादी हो जाएगा? नहीं नहीं होगा ना, तो फिर बिना ठेकेदार का कैसे काम शुरू हो गया? बिना इंजीनियर का, बिना काम कराने वाला का, फिर काम कैसे शुरू हो गया? वो तो ठेकेदार साहब बता, आप नहीं बताइएगा, आप तो समिति हैं, आप ही के पैसा से हो रहा है, आपको कहा ज्यादा मिल गया है कुछ क्या? हम लोग तो सब जेब से लगा हुआ है, अभी मिला क्या है? चौरा नहीं मिला है, तो मिलेगा का? ये तो नहीं मिला है, तो कहा है काम करा, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं सर, जानकार हैं, जानकार हैं कि बाद में पैसा मिलता है, हम जानते हैं, ठीक है, आप समझाइएगा, हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब सच्चाई है तो फिर आप कहा काम करा रहे हैं, कहा नहीं छोड़ दे रहे हैं? जब गलत काम हो रहा है तो बोले कि नहीं कराएंगे? नहीं तो अब ऐसा होगा तब नहीं कराया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब लोग मान लीजिए ऐसा इन लोगों का आदेश होगा वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आदेश में लेकिन सही हो रहा है काम? नहीं नहीं, हमारे आदेश में गलत हो रहा है तो वो तो इसीलिए रुका भी है, तो उनसे बात हुआ है कि आकर के देखिए क्यों ऐसा हुआ है। फोन लगाइए तो थोड़ा, उनको फोन लगा रहे हैं। देखिए जो ठेकेदार महोदय हैं, समिति महोदय सामने कहा कि फोन लगे तो फोन लगा रहे हैं, देखिए उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, शायद वो कब तक आएंगे, शायद वो आज नहीं आएंगे, पता चल जाएगा उनको मीडिया वाला है तो वो भी नहीं आएंगे, ऐसा होता है, कोई झूठा बात नहीं है, सच्चाई यही है कि वो भी नहीं आएंगे। कहाँ बने? देखिए फोन लग गया है, स्पीकर थोड़ा ऑन कीजिए। हेलो, हेलो जी, ठेकेदार जी बोल रहे हैं? जी हम पत्रकार बोल रहे हैं। बोलिए, झाझुआ में काम अभी करा रहे हैं क्या? अभी करा रहे हैं। अच्छा, रोड कहाँ फट रहा है भैया? देखिए आ रहे हैं हम, 2 मिनट में भी आ रहे हैं वहीं पे। नंबर क्या है बता नहीं सकते क्या? अभी बता सकते हैं सामने, नहीं। सामने तो बताइए। वो जानते हैं जैसे छत भी ढलाता है तो चढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, तो पूरा रोड फट जाता है क्या? पूरा थोड़ी फटा है सर। ए महाराज, हम सामने देख रहे हैं, आप घर बैठे देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, स्पॉट पे मौजूद हैं। तो हम मिस्त्री है ना, तो मिस्त्री लोग तो बोल रहे हैं कुछ हम जानबे का, ठेकेदार महोदय से बात कीजिए। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा नहीं ना मिल गया है? कैसे करा रहे हैं लोग? क्या ज्यादा मिल जाएगा बोलिए ना, पैसा रुपया सुने ना, हम लोग से क्या मतलब, हम लोग को काम कराना है। तो सच्चाई कहा नहीं करा, हम काम करा रहे हैं, कहा रोड फट रहा है? हम लोग वो जो मटेरियल है एकदम जितना है उतना दे रहे हैं। कौन एक का मसाला डल रहा है? 6 एक की 8 एक का? 3 एक का? 3 एक का, तब का फट जाएगा हमारा? 3 एक तो एकदम फटले ना के चाहिए, का फट गया 3 एक में महाराज? वहाँ पर आदमी है वहाँ रह के गिन रहा था, गाँव के आदमी पूछ लीजिए। तो गाँव के लोग तो रोक ले बका वहाँ की फाटा तो का है? चला ला तो उसे मिला दिया ला। अच्छा, फिर चिपी सटा जला का? ना ना, चीपी ना सटल। सामने सटाई लौकता दिखता, चीपी सटल वही ना, ना तो कर्नी से मिलावल अलग बाबे, चीपी सटल अलग दिखता है, आग के सामने चीपी सटल लिखता की हाँ चीपी सटल बाबे, चीपी ना महाराज। सुनी ना भैया, हमरो घर ढलाइल बा, ढेर लोग घर ढलाइल, हमू देखले बनी। हाँ, चीपी तो नहीं सटल देखले, आ फाटल तो नहीं देखले। अच्छा, फाटे ला ना, चरा जला मतलब वो फाट जला, बतिया वो घुमा फिरा के वो बतिया भइल हेने से कान पकड़ी चाहे उन्हें से कान पकड़ी, बतिया बराबर बा। कर्नी से मिलावल जला? तो कर्नी से मिलावल, लेकिन चिपी सटल बा। ठीक बा, आओ तनी, देखी आओ तनी, ठेकेदार जी हैं, देखी बतिया ली रहुआ, आओ तनी यहाँ के, कहा तनी कि चीपी मिलावल जला कर्नी से, मिलावल नहीं देख ली, फिर से वो देख ली ना, तो कहम कि झूठ बोले तनी, फिर से देख ली चीपी सटल बा कि ना, देख ली, देखी तमाम जगह देखिए, कर्नी से मिलावल लौकता, केहू से देखवाई है कर्नी से मिलावल लौकता, तमाम आगे की बढ़ तरफ देखी, देखी हेजी देखी है कर्नी से मिलावल दिखता, सब चीपी सटल दिखता कि ना, देखिए है चिपी सटल दिखता कि ना, है कर्नी से मिलावल, कर्नी से मिलाओ, देखिए हई बार की मिलावल गई बाई, देखिए हई मिलावल बा, हई चिपी सटल ह। तमाम लोग से फिर से बात करें, एक बार प्रयास करें कि बताएं चिपी सटल बा कि ना, का दिखता रुआ लोग बताई, चिपी सटल दिखता कि ना, चिपी तो सटल बा। हां तो बताएं मैं कहां कर्नी से मिलावल, कर्नी से मिलावल ह? ना, कर्नी से नहीं मिलावल, चिपी सटल बा। चिपी सटल मानू, देखिए ठेकेदार महोदय से बात भइल, समिति महोदय से बात भइल, गांव के लोग से बात भइल, तमाम तस्वीर भी रो देखनी ह, के गन रोड बनता है साफ रो नजर आई लो कि हाँ रोड में के प्रकार भ्रष्टाचार होता, अब पैसा के बंदरबाट के प्रकार होता है जरूर देख ले। ओके, फिलहाल हम आग्रह करेंगे महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी से और प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौंदा से, जो काफी तेज तरह रहे हैं और वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जरूर इस सड़क पर आकर जाँच करें कि वास्तविक में अगर काम क्या हुआ है, और गाँव के लोग से बात करें, और जो भी इसमें दोषी है
जनप्रतिनिधि हो, ठेकेदार हो, जेई हो, कोई भी हो, उस पर अवश्य कार्रवाई होना चाहिए। दिक्कत बाबू क्या थी, काम रोक देने लोग ढलाई होते रहता, ये तो बढ़िया काम है। ये देखा जाता कि मैंने काम हो खो कमे हो खो पर तनि बढ़िया से हो खो जी, और फाटत आ रिपेयर होता ये तो ये बताइए वो घर छतदार हुई बताइए छतवा छतदार भैया तो कितना दिन बाद फाटे लगल हुई छतवा बिहान भले फटेला दू चार पाँच साल में उ का जाने कहीं चटकी कि नहीं है चटकी तो हई कौन ढलैया होके लगल ढलैया गलत बा कम मटेरियल बा तब न फटता कमीशन में पहुँचे लोग से क्या कहें अरे होके तो हम गाँव के काम हो तनि बढ़िया होके के चाहिए होगा घर बना है ढलैया हुआ होगा हाँ। अगले दिन से चिप्पी छटाना शुरू हो गया क्या नहीं उस समय तो नहीं होता है मतलब एक साल बाद दो साल बाद होता होगा तो मान लेंगे हम अगले दिन से तो नहीं होता है नहीं अगले दिन से कैसे होगा अगले दिन से अगर होता है तो क्या आप मान सकते हैं ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें ये तो है जो जो है सामने है हाँ मटेरियल जो भी है डाला गया है वो सामने है अब जो भी है वो इंजीनियर लोग बताएंगे इंजीनियर लोग तो है ना समिति इंजीनियर समिति ठेकेदार वही लोग का काम है जो इंजीनियर सिविल इंजीनियर लोग होता है वही लोग जानता है लोग अब इसके बारे में हम लोग नहीं बताएंगे हम लोग को बस इतना ही दिखाई दे रहा है काम गलत हो रहा है चरक गया है चरक गया है हाँ। तो चरक गया मतलब फट गया है तो इसलिए साफ आप समझ सकते हैं कि काम यहाँ पे गलत हो रहा है उनसे भी हम जानकारी लो जो स्थिति है सर ये बताइए कि जो स्थिति है काफी रोड फट गया है कल ही बना आज फट गया क्या माना जाए हम बोले थे जी कुछ आदमी को बोले थे बीच में ढाई इंची हो रहा है साइड में चार इंची तीन इंची हो रहा है अच्छा ढाइयों कम हो रहा है बीच में ढाई इंची मापे थे हम लकड़ी डाल के नापे थे ढाई इंची हो रहा था बीच में जी लोग बता रहे हैं कि कोई चेकिंग में नहीं आएगा सब लोग माल खा रहा है 10% 15% ऊपर से नीचे तक कोई जाँच करने वाला नहीं है जैसा भी है उसको बना के जाओ अपना पैसा बजाओ बस बस यही सिस्टम है कोई जांच करने वाला अधिकारी नहीं है वाला कौन है जी उनको कुछ पचा खिला दो गांव वाला लोग चुप रहेंगे अपना काम करेंगे चला जाएंगे ये भी तो होता ही है ये होता हम तस्वीरें देख सकते हैं फिर से कल रोड ढलाई हो गया फिर से यह फटने लगा आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम तस्वीरें गाँव के लोग ने दिखाया था यहाँ लगातार रोड फट रहा है कल ढलैया हुआ है और आज से ही रोड फटने लगा है तमाम तस्वीर फिर से देख लेंगे चिप्पी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे चिप्पी सटा गया है और आगे की तरफ बढ़ेंगे जो पूरा फटा हुआ था देखिए 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 भैया चढ़े हुए तो दलक रहा है तो समझ सकते हैं कि कल अगर तो थोड़ा सा भी छोटा भी गाड़ी जाएगा या बाइक जाएगा तो ये अलग चला जाएगा ये आधा रोड इधर आधा रोड इधर तो समझ सकते हैं कितना सच्चाई काम हुआ है।